हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर वीणा देवी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एनआईटी फार्मेसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा। पहले इसके पहले हमने डिस्कस किया टॉपिक, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक फार्माकोग्नोसी 1 BP405T का यूनिट 2 में से पढ़ने वाले हैं, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या एजेंट होते हैं म्यूटेशन के, कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है कि एक सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल और द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, जनरली जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में या ह्यूमन सेल्स में, ठीक है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, अगर उनके हेरिटेबल चेंजेस आ जाता है, अचानक से उनके हेरिडिटी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल शोइंग दीज चेंजेस आर नोन एज म्यूटेंट। ऐसे इंडिविजुअल्स, ठीक है, या ऐसे प्लांट्स जिनमें कि म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं म्यूटेशन के, दैट इज़ नोन एज म्यूटेंट। ठीक है, अगर कोई भी इंसान है, अगर ह्यूमन है, उसके में अगर कोई भी म्यूटेशन कॉज कर गया, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गई, तो उस टाइप का इंसान क्या कहलाएगा, म्यूटेंट कहलाएगा। ठीक है, कि इसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन कॉज हो गए हैं। ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स शोइंग द अल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू द म्यूटेशन आर नोन एज वेरिएंट। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें कि उनकी फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू द म्यूटेशन, उस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर नोन एज वेरिएंट। ठीक है, तो उनको वेरिएंट बोलते हैं। और ऐसे फैक्टर्स और दी एजेंट्स विच कॉजेज म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंट्स। तो सम काइंड ऑफ दी एजेंट्स विच कॉजेज और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एनी काइंड ऑफ द म्यूटेशन और कॉजिंग द म्यूटेशंस, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन विच कॉजेज चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन्स आर नोन एज जीन म्यूटेशन और द पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन में चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज जीन म्यूटेशन। ठीक है, बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, एडिनोसिन होता है, ग्वानोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल्स होते हैं, तो अगर हमारे जो भी हैं बेस सीक्वेंसेस में, अगर इफ़ एनी काइंड ऑफ द चेंजेस अकर्स, सो दैट काइंड ऑफ द चेंजेस आर नोन एज द जीन म्यूटेशन और द पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या हो गया, म्यूटेशन अगर किसी की भी हेरिडिटी में किसी भी टाइप जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, अगर सडन हेरिटेबल चेंजेस हो जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में, तो वो हमारे म्यूटेशन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो म्यूटेशन शो करते हैं, दे आर म्यूटेंट्स, और ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ द चेंजेस अकर्स इन द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू द म्यूटेशन, दैट काइंड ऑफ द पर्सन्स आर नोन एज वेरिएंट। ठीक है, एंड द फैक्टर्स और द एजेंट्स विच कॉजेज द म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंट्स। ओके, अब हिस्ट्री देखते हैं म्यूटेशन की। तो जो साइंटिस्ट थे सेटराइट, रिकॉर्डेड केस ऑफ द म्यूटेशन फर्स्ट टाइम। तो सेटराइट ने फर्स्ट टाइम म्यूटेशन को कॉज जो हुआ था उसको रिकॉर्ड किया था इन 1791 में इन मेल लैम विथ अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स। ठीक है, उसने उन्होंने देखा कि ड्यू टू द म्यूटेशन जो लैम थी, उस मेल लैम जो था उसमें क्या हो गया था कि उसके जो लेग्स थे वो काफ़ी शॉर्ट दिख रहे थे, तो ड्यू टू उन्होंने सबसे पहले वहीं पे देखा कि कुछ ना कुछ इसके जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, द टर्म म्यूटेशन इज क्वाइंड बाय ह्यूगो डिविरिस इन 1900 में ह्यूगो डिविरिस ने सबसे पहले ये म्यूटेशन टर्म दिया था बाय हिज ऑब्जर्वेशन इन ऑनिथेरा। ऑनिथेरा जो होती है एक काइंड ऑफ द प्राइम रोज स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज में इन्होंने सबसे पहले देखा था म्यूटेशन और वहीं से म्यूटेशन का टर्म इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टमिक स्टडी ऑफ द म्यूटेशन वॉज स्टार्टेड इन 1910 वेन मॉर्गन जेनेटिकली एनालाइज्ड वाइट आई म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, अब उसके बाद म्यूटेशन तो पता चल गया,
फर्स्ट टाइम 1791 में, देन ह्यूगो डिवरिस ने इसको टर्म को कॉइन भी कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो सिस्टमिक स्टडी थी वो कब से स्टार्ट हुई, मॉर्गन ने देखा, ठीक है, मॉर्गन ने इन 1910 में देखा कि उन्होंने जेनेटिकली एनालाइज किया कि वाइट आई म्यूटेंट देखने को मिला ड्रोसोफिला में उन्होंने, ठीक है, ड्रोसोफिला की जो आईज थी उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस देखे कि उसकी जो आईज थी वो वाइट थी, ठीक है। तो वहीं से म्यूटेशन की सिस्टमिक स्टडी स्टार्ट हुई और वहीं से स्टडी होना स्टार्ट हो गया म्यूटेशन में, ठीक है। उसके बाद एच जे मुलर इंड्यूस म्यूटेशन इन दी ड्रोसोफिला, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे एच जे मुलर, उन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया ड्रोसोफिला में बाय यूजिंग दी एक्सरे रेडिएशंस इन 1927। इन 1927 में एच जे मुलर ने ड्रोसोफिला में म्यूटेशन कॉज करने का चाहा बाय यूजिंग दी एक्सरे, ठीक है, और उन्होंने म्यूटेशन कॉज भी कर दिया और उसके लिए उनको ही वॉज अवॉर्डेड विद दी नोबल प्राइज़ इन 1946। तो जिसकी वजह से उनको नोबल प्राइज़ भी मिला, ठीक है, 1946 में। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन देखते हैं, तो बेस्ड ऑन दी कॉजेज ऑफ म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या हो रहा है कि सडन, ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर्स नेचुरली विदाउट एनी कॉज, मतलब किसी भी कॉजिटिव एजेंट से नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ओके। सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर्स नेचुरली विदाउट एनी कॉज, ठीक है, कि विदाउट एनी रीजन्स के अगर किसी भी टाइप का म्यूटेशन देखने को मिलता है तो दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ओके। एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर मिथाइलेशन फॉलोड बाई दी डीएमिनेशन ऑफ दी साइटोसिन, साइटोसिन में डीएमिनेशन जो हो जाता है उसकी वजह से जो म्यूटेशन कॉज करता है, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ द म्यूटेशन, ओके। इंड्यूस म्यूटेशन इज वॉट, तो म्यूटेशंस प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रीटमेंट विथ आइदर अ केमिकल और द फिजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, विदाउट एनी कॉज इफ एनी काइंड ऑफ द म्यूटेशन अकर्स, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज वॉट, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ओके। देन इफ एनी केमिकल एजेंट्स और द फिजिकल एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द म्यूटेशंस, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशंस आर नोन एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ओके। एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर एक्सरे कॉजिंग म्यूटेशन इन सीरियल्स, ठीक है, तो सीरियल्स में जो म्यूटेशन हुआ एक्सरे रेडिएशंस उसमें डाले गए जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, तो हमने क्या यूज़ किया उसमें, एक कोई एजेंट यूज़ किया जिसकी वजह से हमने उसमें म्यूटेशन कॉज किया, तो दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज नोन एज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ओके। देन बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन्स मतलब कहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं उसमें जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो उस टाइप के जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर नोन एज सोमेटिक म्यूटेशंस और दी जर्मिनल म्यूटेशंस। तो सोमेटिक म्यूटेशंस इफ एनी काइंड ऑफ दी चेंजेस अकर्स इन देयर सोमेटिक सेल्स, ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स में इफ एनी काइंड ऑफ दी म्यूटेशंस अकर्स, दैट काइंड ऑफ दी म्यूटेशंस आर नोन एज दी सोमेटिक म्यूटेशंस। अगर जर्मिनल या गैमेट सेल्स में म्यूटेशंस होते हैं तो दैट इज दी जर्मिनल म्यूटेशन, ओके। तो सोमेटिक म्यूटेशन इज वॉट, अ म्यूटेशन अकरिंग इन अ सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो सोमेटिक सेल्स मैंने प्रीवियसली भी बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय दी सोमेटिक सेल्स, तो सोमेटिक सेल्स अदर्स देन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स और दी गैमेट सेल्स, जो भी सेल्स होते हैं दे आर देयर सोमेटिक सेल्स, ओके। सो सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन अगर देखने को मिल रहा है तो ये वाले जो सोमेटिक म्यूटेशन है वो ट्रांसमिट हो जाता है वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशन इज सोमेटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन किस में देखने को मिलता है, वेन म्यूटेशन अकर्स इन द गैमेट सेल्स और द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ द चेंजेस और द म्यूटेशंस अकर्स इन द स्पर्म सेल्स और द ओवम सेल्स, दैट काइंड ऑफ द म्यूटेशंस आर जर्मिनल म्यूटेशंस। इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज ओनली जर्मिनल म्यूटेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जो स्पीसीज हैं वो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज होते हैं उन्हीं स्पीसीज में जर्मिनल म्यूटेशन कॉज करेगा, क्योंकि ये सिर्फ गैमेट सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है, ऐसे
स्पीसीज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनमें ये जर्मिनल म्यूटेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो जर्मिनल म्यूटेशन होता है बट ऑब्वियस है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, गैमेट सेल्स में हो रहा है, तो ये वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में भी पास होगा, सिर्फ ओनली जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज हैं उनमें। ठीक है, अब एग्जांपल क्या क्या है म्यूटेशन के, तो प्रीवियसली हमने देखा कि पॉलीप्लॉइडी से भी कुछ एडवांटेजेस हो रहे थे प्लांट्स में, तो सिमिलरली म्यूटेशन कॉज करने से भी प्लांट की जो जितनी भी चीज़ें होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, कलर होता है उनका, हैबिटेट होता है, नंबर्स होते हैं जो कॉटिलीडन्स नंबर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ों में भी चेंजेस आते हैं ड्यू टू दी म्यूटेशन, और वो जो होते हैं वो उसके लिए एडवांटेजेस हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो म्यूटेशन का कॉज करना प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है, और इस टॉपिक में हमको सिर्फ यही देखना है कि म्यूटेशन के कॉज होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्लांट्स में, मेडिसिनल प्लांट्स में। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप लोग समझ सकते हो कि मेडिसिनल प्लांट्स में भी इसके क्या यूजेज हैं, बिकॉज जो हमारे जनरल एग्जाम्पल हैं लाइक टोमेटो, टोमेटो कंटेन्स दी लाइकोपीन, लाइकोपीन आर हैविंग दी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लाइकोपीन किस में कंटेन होता है, हमारे टोमेटो में होता है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो एडवेंटेजियस हो सकता है हमारे प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल इंक्लूड कर रहा है कि फ्रूट्स की मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी थी, ये जो टोमेटो था, ये टोमेटो का जो साइज़ था ये ओवल शेप में था, बट ये आपका स्पेरिकल शेप में आप देख सकते हो, तो दोनों की जो शेप हो है टोमेटो की वो चेंज हो गई है ड्यू टू दी म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद फ्रूट का कलर भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये येलो कलर का है और यहाँ पे ये रेड कलर का है। ठीक है, देन उसके बाद प्लांट की हैबिट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की हैबिट जो है, एक काफ़ी डेंस है श्रब टाइप का है और एक सिंपल है। ठीक है, उसके बाद लीफ की मॉर्फोलॉजी देखी जा सकती है, तो लीफ की मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो रही है। कॉटिलीडन्स नंबर, तो यहाँ पे हम नंबर्स देख सकते हैं कि इसके नंबर्स जो हैं वो कम है, इसके ज़्यादा हैं। फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी अगेन चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्लांट का जो हैबिट है वो हम देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है, और इनफ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर, तो इनफ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर जो है ये भी चेंज हो रहे हैं ड्यू टू दी म्यूटेशन। सो दीज आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ दी म्यूटेशन। उसके बाद यहाँ पे म्यूटेशन कॉज चेंज इन दी केमिकल कॉम्पोजिशंस इन दी मेडिसिनल प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम दी मॉर्फोलॉजी एंड दी एनाटॉमिकल चेंजेस। तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस में भी चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अलावा भी। ठीक है, तो ऑन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सोलेनम खासियानम जो है एक प्लांट है मेडिसिनल प्लांट्स, जिसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा होता है सोलासोडीन। ठीक है, तो सोलासोडीन कंटेंट जो है सोलेनम खासियानम में इंक्रीज हो जाता है बाय रेडिएशन और दी केमिकल म्यूटाजेंस। तो अगर हम लोग रेडिएशन और केमिकल म्यूटाजेंस से उसमें म्यूटेशन कॉज करते हैं तो सोलासोडीन का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन मॉर्फिन कंटेंट इन दी ओपियम वॉज इंक्रीज बाय केमिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, तो ओपियम में भी मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं हमारे, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का कंटेंट भी हम अगर उसमें केमिकल म्यूटाजेंस यूज़ करके उसका म्यूटेशन इंड्यूस कर दें और उससे फिर हम लोग उसका जो कंटेंट है मॉर्फिन का उसको इंक्रीज कर सकते हैं ओपियम में। डायोजेनिन कंटेंट एज वेल एज ट्यूबर ईल्स इन दी डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया याम होता है, एक ट्यूबर्स होता है, तो ट्यूबर्स की ईल्ड भी हम बढ़ा सकते हैं, और उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट इज डायोजेनिन कंटेंट। तो इस डायोजेनिन कंटेंट को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाई यूजिंग दी रेडिएशन म्यूटाजेंस। ओके, देन इन रेडिएशन ऑफ दी पॉपी सीड्स विद 14 कार्बन मोनोऑक्साइड्स अ नंबर ऑफ म्यूटेशन वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग इरेडिएशन करेंगे 14 कार्बन मोनोऑक्साइड्स का पॉपी सीड्स में ओपीएम में, तो उसमें भी म्यूटेशन हमारा कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए हमारे मेडिसिनल प्लांट्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमको पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी दो स्पीसीज की मिक्सिंग कराते हैं और उससे नया स्पीसीज जनरेट होता है, दैट इज़ नोन एज देयर हाइब्रिड। ओके, जैसे कि हम वाइट कलर में पिंक कलर, वाइट कलर में रेड कलर मिक्स करते हैं तो दे विल फॉर्म अ पिंक कलर। सो पिंक कलर इज़ वॉट, हाइब्रिड कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेड और दी वाइट। ओके,
सो सिमिलरली इन द हाइब्रिडाइजेशन जब प्लांट्स में हम लोग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन जनरेट अ न्यू स्पीसीज बाय हाइब्रिडाइजेशन. ओके सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैटिंग और द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट हैविंग डिजायर्ड जीन्स और द जीनोटाइप एंड ब्रिंगिंग दैम टूगेदर इन टू द वन इंडिविजुअल्स कॉल्ड हाइब्रिड. The process through which the hybrids are produced is called hybridization. Okay, so जब हम लोग किसी भी दो plants की mixing करा रहे हैं एक दूसरे के साथ और हम लोग desired genotype obtain करने की कोशिश कर रहे हैं, desired genes चाह रहे हैं उसमें से, या हमको जो variety चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं वैसी चीज़ें चाह रहे हैं, तो उस condition में फिर हम लोग इसको use करते हैं और hybrid plant generate करते हैं. ठीक है, तो hybrid plant generate करने की जो process होती है या mechanism होती है उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. ओके, अब क्या पर्पस होता है हाइब्रिडाइजेशन का. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो प्लांट्स लिए, लॉन्ग प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, उससे हमने लॉन्ग हाइब्रिड प्लांट जनरेट किया. ठीक है, तो ये हम लोग एक बड़ा प्लांट था एक छोटा प्लांट था. ठीक है, उन दोनों से हमने मीडियम साइज का प्लांट हमने इसमें जनरेट कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गई, उसका हाइब्रिड प्लांट हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस टू कंबाइन द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इनटू द सिंगल इंडिविजुअल्स. तो हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज एनी काइंड ऑफ द वेरिएशंस इन देयर जेनेटिक्स, सो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस वी कैन क्रिएट. ओके, एंड द कंबाइन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इन टू द सिंगल इंडिविजुअल्स. तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस हम लोग सिंगल इंडिविजुअल्स में जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चाह रहे हैं वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर दूसरे प्लांट्स के साथ हाइब्रिड करा के हम उसमें जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप से होते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और दी डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं हाइब्रिडाइजेशंस की जो इन्वॉल्व होती हैं. तो फर्स्ट मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग एडवांस सीड्स एंड फर्दर हैंडलिंग ऑफ दी प्लांट्स. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी हाइब्रिड प्लांट्स. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट. ठीक है, तो सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स में क्या करते हैं कि हमको जिस पेरेंट जैसा हमको वेराइटी चाहिए है और जो भी चीज़ चाहिए, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन करने का, उस हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमको जो पेरेंट प्लांट है उसका सेलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. तो द चॉइस ऑफ द पेरेंट प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉस. सेकेंड प्रोसेस इज वॉट, इमेस्कुलेशन प्रोसेस. तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस इज वॉट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन द केस ऑफ द क्रॉप विद द बायसेक्सुअल फ्लावर्स, स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द फीमेल पेरेंट्स आर रिमूव्ड और द पॉलन ग्रेन्स आर किल्ड. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं, मेल ऑर्गन्स भी होते हैं. तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से एक ऑर्गन्स को हम लोग रप्चर कर देते हैं, या तो किसी की फीमेल ऑर्गन्स को रप्चर कर देंगे या फिर हमारी जो मेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, या स्टैमेंस हैं स्टैमेंस को हम लोग रिमूव कर देंगे फीमेल का. ठीक है, तो उससे फिर हम लोग फिर उसकी क्रॉसिंग कराएंगे. तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारा इमेस्कुलेशन प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, जिसमें हम लोग रिमूवल कर देते हैं, रिमूवल ऑफ दी एंथर और दी रप्चरिंग ऑफ दी पॉलेंस. ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज दी इमेस्कुलेशन प्रोसेस. ठीक है, तो हम लोग जो भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं मेल या फीमेल ऑर्गन्स, उसमें से एक को रप्चर करके हम इसको कर सकते हैं. देन आफ्टर इमेस्कुलेशन, ठीक है, हमने जिस प्लांट में से रिमूव कर दिया है उसके ऑर्गन्स, उसके बाद उसकी हम लोग बैगिंग करते हैं. बैगिंग मीन्स क्या होता है, बैग को उसमें अटैच कर देते हैं जिस पर्टिकुलर फ्लावर्स का हमने फीमेल प्लांट का क्या किया है, इमेस्कुलेशन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो फ्लावर्स था उस फ्लावर्स में से हमने जब उसके फीमेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया, देन उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ पॉलीथाइलिन बैग हमने उसकी क्या कर दी है, बैगिंग कर दी है. ठीक है, तो इस बैगिंग के थ्रू जब बैग से हम इसको कवर कर देते हैं ताकि उसमें कोई पॉलिनेशन ना हो पाए पर्टिकुलर उसमें जिसमें इमेस्कुलेशन किया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज दी बैगिंग प्रोसेस. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, द इमेस्कुलेटेड इनफ्लोरिसेंस ऑफ द फीमेल प्लांट्स आर कवर्ड यूजिंग बटर पेपर
paper bags or the cloth bags, the bags are removed 2 to 3 days after pollination. ठीक है, उसके बाद हम लोग बैग को रिमूव कर देंगे 2 से 3 दिन के बाद, जब उसमें पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाएगी. देन टैगिंग जो होती है, टैग कर देना हमने जहाँ बैगिंग किया है. देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ द मार्कर्स वी कैन टैग दैट पर्टिकुलर प्लांट. ओके, उसके बाद पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं. तो पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, पॉलेंस ग्रेन्स जो हैं हमारे इसमें चले जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट्स एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट. ठीक है, तो फीमेल यहाँ से हमारे पॉलेंस गए, पॉलेंस को उसने इंसेक्ट ने क्या किया, जो हमारे फीमेल प्लांट था स्टिग्मा उसमें जाके उसने उसको स्प्रिंकल कर दिया. ठीक है, स्प्रिंकल करने के बाद वो अंदर गया. ठीक है, पॉलन, और वहाँ पे उसने फर्टिलाइजेशन शो किया और उसके बाद पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई. ठीक है, हार्वेस्टिंग F1 सीड्स, तो क्रॉस्ड सीड्स आर हार्वेस्टेड केयरफुली एंड स्टोर टू रेज द F1 जनरेशन. इसके बाद जो F1 सीड्स होती हैं, दैट इज़ द हाइब्रिड सीड्स, उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, क्रॉस सीड्स को हार्वेस्टेड करेंगे केयरफुली और उसको स्ट्रेट हम लोग स्टोर करके रख देते हैं. देन फर्दर हैंडलिंग ऑफ दी प्लांट्स. देन उसके बाद उसके प्लांट्स की जितनी भी प्रोसेसेस फॉलो की, उस प्रोसेसेस के बाद फिर हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रख देते हैं. तो फर्स्ट था हमारा सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट, सेकेंड इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग F1 सीड्स और दी फर्दर हैंडलिंग ऑफ दी प्लांट्स. ओके, नाउ उसके बाद सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी हाइब्रिड प्लांट्स. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक विथेनिया सोमनीफेरा, इजराइली कीमो टाइप 2 एंड विथेनिया सोमनीफेरा का हाइब्रिडाइजेशन करके वी कैन जनरेट अ मोर अमाउंट ऑफ दी विथेनोलाइट कंटेंट्स. ओके, साउथ अफ्रीका कीमो टाइप हैव लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड विच कंटेन्स 3 न्यू विथेनोलॉइड्स. ठीक है, साउथ अफ्रीकन कीमोटाइप के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नई स्पीसीज बनाएंगे, उसमें 3 न्यू विथेनोलॉइड्स को हम लोग जनरेट कर सकते हैं. सोला सोलिडीन अकर्स इन दी सोलेनम इनेक्विनम अप टू दी एक्सटेंट ऑफ 1.8% वी कैन इंक्रीज, वेयर सोलेनम मैलेगोजीना कंटेन्स ओनली ट्रेसेज ऑफ दैट. And their F1 hybrid bear fruits bearing with 0.5% of the solasodine. So हम लोग इसकी क्रॉसिंग करा के, इसका हाइब्रिडाइजेशन करा के solasodine कंटेंट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके फ्रूट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड जनरेशन हैज़ प्रूव टू बी अ हाई यील्डिंग सोर्स ऑफ द solasodine. तो सेकेंड जनरेशन जो हमको ऑप्टेन होती है हाइब्रिड करने के बाद, उसमें जो है उसने ये चीज़ प्रूव किया है कि उसकी जो यील्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन के ज़्यादा अच्छी होती है.